नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, वहीं कुशीनगर में युवाओं और महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है। वहीं हर बूथ पर सी न्यूज रिपोर्टर ने जब लोगों से बात की तो पता चला कि ज्यादा तादाद में पुराने वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए, जिसको लेकर लोगों में मायूसी के साथ नाराजगी भी दिखाई दे रही थी। देखिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है और मतदाता अपने घरों से सुबह सुबह ही निकल गए हैं और अपने अधिकार का प्रयोग बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर के अंदर, और यहाँ पे कुछ नौजवान ये भी वोट दिए। वोट दे हो गया है जी? वोट हो गया, दे दिए हैं। अच्छा, किस नाम पे वोट दिए हैं? विकास के नाम पे या कुछ और? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे? के नाम पे। अच्छा, के नाम। क्या नाम है आपका? काली बाबा। किसको है? किस नाम पे दिए हैं? अच्छा, पहली बार दिए हैं? हाँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम है अभी। फर्स्ट टाइम दिए हैं ये? आप वोट दिए हैं? कितने बार दे चुके हैं? दस बार दे चुके हैं। दस बार वोट दे चुके हैं, देख रहा हूँ। उम्र की कितनी है आप? कितनी उम्र? 35। 35 साल। 35 साल के हिसाब से भी 18 का निकल तो दो तीन बार वोट इनका हुआ, लेकिन ये 10 बार दे चुके हैं। अच्छा, किस नाम पे वोट दिए हैं? विकास। विकास के नाम पे दिए हैं। अभी अभी लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा। चाची, क्या नाम है आपका? वोट पड़ गया है? किस नाम पे वोट दिए हैं? विकास के नाम पे कुछ और मुद्दा था? जी जी, जिसको देना उसी को, विकास हो या न हो। जी जी, चलिए। चाची का ये कहना है कि मैं जहाँ है वहीं पे वोट दिए हैं, और विकास के नाम पे या किसी नाम पे वोट दिए हैं तो वोट दिए हैं। और बहुत से लोग निकल रहे हैं बाहर, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस नाम पे वोट दिए हैं। भैया बाहर जाइए, क्या आपका वोट दिए? ऐसे दिखा दीजिए। वोट जो दिए हैं किस नाम पे दिए हैं? विकास के नाम पे दिए हैं या फिर विकास को? सब है, बेरोजगारी के मुद्दे दिए हैं। बेरोजगार मुद्दे दिए हैं जी। क्या चाहते हैं लोग? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, चलिए एक ही लफ्ज काफ़ी है। ज़्यादा भी पूछेंगे तो फिर लोगेंगे कि चल रहा है यहाँ भी। आप वोट दे दिए हैं? हमारा वोट नहीं आता। वोट नहीं आता? कितना साल में हो गया आपकी? 24। 24 साल? ये 24 साल के वोट नहीं आता है, क्यों? हम उसमें भरे ही नहीं थे। अच्छा, भरे नहीं थे? आप जागरूक कोई फॉर्म भरना चाहिए ना? हम थे नहीं। अच्छा, थे भाई बाहर में? थे बाहर में थे और भर नहीं पाए। इस वक्त कुशीनगर के खट्टा विधानसभा में और आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा से मैं पूछा हूँ कि कितने साल उम्र है तो बता रहे थे 70 साल उम्र है, और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हमको लग रहा है कि इससे पहले जो चार बार तो वोट दे चुके होंगे अब तक। आप वोट दिए इससे पहले? कितने बार दिए हैं आप? औरत का वोट। अच्छा, आपके वाइफ का नहीं आया है? इससे पहले आता था उनका? हमेशा होता। तो क्या हो गया, वोट कट गया है क्या? कट गया। अच्छा, ये किसकी गलती है वोट कटा है क्या? अब हम पर सही से जान के कर गलती है। अच्छा, नाम क्या आपका? भोला। भोला, आगे पीछे कुछ और नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। भोला यादव जी, यहाँ पे और भी लोग हैं। आपका नाम? वोट दे दिए हैं। अच्छा, नहीं है मेरे घर में नहीं कटा। आपके घर में नहीं कटा? नाम क्या आपका? असलम अंसारी। असलम अंसारी जी। अच्छा, लोग किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, मुद्दा क्या है? परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन लाना चाहते हैं। सभी लोगों का एक ही मुद्दा। अच्छा, इधर आ जाइए। आपकी उम्र ज्यादा है, 70 साल उम्र है। 70 साल में आप क्या देखे हैं? अभी 10 साल में आपको क्या अंतर दिखाई दिया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे किसानों का आय दुना कर देंगे, तो अभी नहीं सा। हर बोरे में 5 किलो खाद भी कम हो गया, रेट भी ज़्यादा हो गया, तो किसान का आय दुना कर कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में परिवर्तन कर दिया। तो अभी तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं लोग कि 70 साल में जो नहीं हुआ हमने 10 साल में करके दिखा दिया। बात सही कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ है, 70 साल राज कैसे हुआ? 45 साल 50 साल तो कांग्रेस राज की, अब इतनी 10 साल ही राज किए हैं, बीच में और कुछ था तो 75 साल तो हो गए आज़ादी, तो 75 साल कैसे आज़ाद किए वो कांग्रेस किए थे? या झूठ में वादा, झूठा वादा, वादा झूठा काम। अभी तो खुश हैं ना मोदी जी से? अभी खुश हम नहीं हैं, हम किसान हैं, खुश नहीं हैं। आय दुना करने के लिए कहे थे, क्यों नहीं दुना हुआ? खाद में 5 किलो कम कर दिया गया,
मिट्टी का तेल गरीबों का उजाला होता था, आज दुकान अपने अधीन होते हुए दे दिए वह बिजली की, भाई बिजली से लोग काम करेंगे अपने तरफ से ठीक कहे, लेकिन मिट्टी का तेल रहता तो हम 10 रुपये से खरीद अपना काम जीव का चला लेते थे। गैस का सिलेंडर 450 रुपया था, 1250 रुपया हो गया तो कैसे हम खुश रहेंगे। महंगाई इतना चरम सीमा पर चल रहा है, दे रहे हैं कि 150 ग्राम राशन 5 किलो, 50 ग्राम राशन किसान को दाल चला कर जीवित रह सकता है, कभी नहीं आएगा वो। आपके एसी में तो आप जी सकते हैं, चाय पी लेंगे, पकौड़ी खा लेंगे, लेकिन हम उधार खेत में फावड़ा चला कर आना है तो 50 ग्राम चावल बने उस समय पेट का भोजन हो जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं पूरा परिवर्तन देश का हो जाए कि कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। आवास की बात है तो बड़ी मकान है, उनका आवास दोबारा मिल रहा है, किसान छोटे छोटे मर रहे हैं, पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका भी आवास नहीं मिला। शौचालय का कर रहे हैं, सुबह शौचालय का 1200 रुपया, सुबह शौचालय कैसे बनेगा, जिससे लोग भी 12000 में। तो इसीलिए हम लोग देख कर इनके वादे से खिन्न है, फर्जी बोली, फर्जी भाषण, फर्जी वादा, मंच पर कुछ और, पेपर में कुछ और, काम कुछ और। अच्छा, अभी 1914 में तो आप लोग मोदी जी को ही वोट दिए थे ना, तो आखिर खुश थे तभी दिए थे। देखिए परिवर्तन करना तो हम आपको चाहते हैं लाना, आपको ले आ दिए तो आपको हम अगले जाने क्या आप करेंगे, कुर्सी दे दिए थे। हम तो सोच रहे थे कि नया परिवर्तन किए कि मोदी जी आएंगे हमारे देश का सुधार होगा, तो उनका कारोबार देख लिया हम लोग तो हमसे मोदी जी से हम लोग खिन्न है। काम तो किए हैं, 370 हटा दिए और इसके अलावा भी बड़ा बड़ा काम किया। हाँ हाँ बताइए, 370 हटा दीजिए, अयोध्या जी में मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया। हाँ आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करेंगे तो मंदिर में अल्लाह है और भगवान का पूजा करेंगे, अपनी बाप माताई को गाली देंगे, ड्यूटा मांगे तो उससे संगे में चले जाएंगे, पूजा तो होता है बाप माताई का। तो जब यहाँ आप स्थान छोड़ दिए तो मंदिर मस्जिद में अल्लाह और भगवान बैठे हैं, पर्यटन के लिए बनाया। कुशीनगर के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है और यह आखिरी चरण है, और यहाँ पे विधायक जी हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि सबसे लोकप्रिय विधायक हैं, अगर पार्टी को और चुनाव को अलग रखते हैं फिर भी ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और हमारे भी बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो इसीलिए मिले हैं तो सोचे हैं सबसे पहले चुनाव पे बात करते हैं। क्या हाल है चुनाव का? 400 पार जो देश का नारा है, कुशीनगर में 8 लाख पार की ओर बढ़ता गया कुशीनगर, और 8 लाख पार जी कुशीनगर में NDA रहेगा। अच्छा, अभी आप क्षेत्र का दौरा करके आ रहे हैं, हाँ। वोटरों का मूड क्या लग रहा है? वोटर मोदी जी के दीवाना हैं, मोदी जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं, मोदी जी के उद्देश्यों से लोग खुश हैं, मोदी जी जो जन कल्याणकारी योजना चला उससे लोग संतुष्ट हैं। इस बार का वोट मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के विकास मॉडल को, राष्ट्रवाद के लिए लोगों का समर्पित है। अच्छा, लोगों का जो वोट मिल रहा है सबसे ज़्यादा किस नाम पे मिल रहा है, जिले का प्रतिनिधित्व है या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नीतियों से, आदरणीय मोदी जी गरीब कल्याण कार्यक्रम जो चलाए हैं, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, अटूट विश्वास है, हर वर्ग हर धर्म, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम मतदाता भाजपा वोट कर रहा है, NDA वोट कर रहा है, यही परिवर्तन है, यही मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, जो विश्वास अटूट है, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ हम तो अभी 10 गांव घूम के आपके पास मुलाकात हो रही है, हर जगह लोग कह रहे हैं मोदी जी, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ मोदी जी का नाम, मोदी मैजिक निश्चित रूप से, और हमारे मोदी जी, हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, इस सब लोग के प्रति लोगों की निष्ठा है और सब लोग NDA गठबंधन के साथ हैं। 4 तारीख के लिए मिठाई का ऑर्डर हो गया है या? 4 तारीख का मिठाई तो पहले एडवांस में ही है जी, आधे से अधिक में हम लोग रहेंगे, बाकी जिसको बांटना होगा बांटेगा जी जी, और 4 को तो कुशीनगर से लेकर दिल्ली तक मिठाई बटेगी जी जी। ये थे विधायक जी विवेकानंद पांडे जी, और बात हो रही थी, और ये 400 पार का नारा जो है इसको बरकरार रखते हुए और बता रहे हैं कि लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं और राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं। अभी चलिए हम और भी माहौल दिखाते हैं और लोगों से बात करेंगे।
में माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी नेतृत्व में विकास हुआ है, विकास है। और इनका कहना है कि मोदी जी के नाम पे और यहाँ पे जो अभी सांसद थे विजय कुमार दुबे जी, उन्होंने विकास किया है, इसीलिए विकास के इन्होंने वोट दिया है। अभी नहीं घूम रहा है, थोड़ा पहन वन लीजिए अच्छे से भाई। विकास के नाम पे हो रहा और हम लोग खड्डा में मौजूद हैं और तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, तरह तरह की कर रहे हैं और लोग अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें जिसको देना है दे दिए, आज तक जब कुछ नहीं मिला है तो अब क्या उम्मीद है। इस तरह की बातें सामने आ रही है, और लोगों से बात कराएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।